Hello everyone, today we will learn about speeding our computer system. I mean, we know that when your computer system is slow, your scenario and your situation is like afternoon class, like you are looking on the video, right? हमें पता है कि आफ्टरनून क्लास कैसा होता है, कैसे होता है, राइट? जहाँ पर भी मतलब कि नींद आता रहता है, आप बहुत मुश्किल से आप खुद को बचाते हैं, लेकिन ये सिचुएशन हमारे कंप्यूटर स्लो होने से भी होता है। हम वेट करते रहते हैं इधर उधर या ये वो सब करके इधर उधर देखते रहते हैं, राइट? लेकिन आई हैव अ सॉल्यूशन ऑन दैट। बेसिकली उसके लिए आपको थोड़ा सा आपका जो पर्टिकुलर सिनेरियो है, ट्रेडिशनल वे है, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं आपको पेन सहने के लिए बोलूँगा, जितना भी करो लेकिन हो जाता है, लेकिन हम इस वाले सिचुएशन से निकालने के लिए मेरे पास एक तो आइडिया है। बेसिकली हम कुछ ट्रिक्स अप्लाई करेंगे कंप्यूटर में, आपके स्क्रीन में अभी दिखाई दे रहा होगा। इन ट्रिक्स को लेके आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। जो पहला है हमारा विंडोज प्लस आर टाइप हुई, फिर वहाँ पर टेम्प लिखिए और जो भी फाइल आ रहा है उसको परमानेंटली डिलीट कर दीजिए और जो रह जा रहा है उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है? जो रह जा रहा है उसको फोर्सफुली डिलीट मत कीजिए, उसको स्किप कीजिए। फिर उसके बाद विंडोज आर मार के फिर से परसेंटेज लिख के टेम्प लिखना है। टेम्पररी फाइल और एक फाइल होता है, इसको भी सिलेक्ट कर देना है, कंट्रोल ले करके सबको सिलेक्ट कर देना एंड डिलीट में जाके इसको भी परमानेंटली डिलीट कर देना। जो रह जा रहा है उसको स्किप कर दीजिए क्योंकि वो कुछ नेसेसरी फाइल्स वगैरह होते हैं, तो मेरा अभी नहीं दिखा रहा है। और थर्ड जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा हम आपके जो पीसी में जो भी मतलब कि ड्राइव्स होते हैं उसको हमेशा क्लीन करते रहिए। क्लीन करने के लिए आप विंडोज़ में जाइए, फिर स्टार्ट से विंडोज़ टूल्स में जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आपको मिलेगा डिस्क क्लीनर। यहाँ से आपको पर्टिकुलर डिस्क को सिलेक्ट कीजिए, जो भी डिस्क को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी सी को सिलेक्ट किया तो ये मुझे दिखा रहा है कि सी में चेकिंग करके दिखाया, मतलब कि दिखाएगा अभी कि सी ड्राइव में मेरे कितने मतलब कि कैश फाइल अवेलेबल है, कैसे कितना ब्राउजिंग डाटा, टेम्पररी ब्राउजिंग डाटा अवेलेबल है, जो सब टिक हुए हैं, ठीक है? मैं इसको ओके कर दूंगा और कुछ टाइम लेके ये क्या करता है कि उन पर्टिकुलर ड्राइव्स वगैरह के जो भी क्या आप चाहे तो जो भी मतलब कि डिलीट हो रहे हैं या फिर जो भी दिखा रहा है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अनसिलेक्ट आपके हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर इन तीनों प्रोसीजर का आप प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं तो फिर आपका कंप्यूटर सिस्टम थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा। एट लास्ट, थैंक यू। वीडियो अच्छा बोलते, लाइक कीजिए।